हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, मेरी वीडियो देख रहे होंगे और इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि दोनों तरफ से ना खुला है, तो यहाँ पर धूल मिट्टी, लू का मौसम है ना, आंधी आती रहती है जाती रहती है। तो शाम का ये मैं ब्लॉग शूट करके आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत कम करती हूँ शाम की वीडियो, लेकिन ये काम मेरे हर दो दिन पे होते ही रहते हैं। जैसे आधा के आंगन में मैंने एक दिन झाड़ू लगा लिया, तो फिर मैंने आधे में मैंने एक दिन झाड़ू लगा लिया, ऐसा करके मैं करती हूँ। और फिर उसके बाद ना मैं पानी छिड़क दूँगी, ताकि जब भी मैं झाड़ू लगाऊँ तो वो धूल उड़े ना। बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत जैसे लगता है इतना आसान है, बट एक दिन झाड़ू लगा दीजिए ना पूरे घर आंगन में, तो पूरे कई महीने की कसरत जो है वो आपकी एक ही दिन में हो जानी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। स्क्वायर फीट में बताऊँ तो मुझे नहीं पता, मैं पूछ के बता दूँगी। और यहाँ पे बन रही है रम्या के पापा के लिए स्पेशल उनकी शाम की चाय, मेरा ये एप्पल साइडर विनेगर। तो वैसे तो सुबह सुबह मैं लेती हूँ खाली पेट, लेकिन अभी मैं लूँगी। और ये बन गई है रम्या के पापा की, देखिए चाय जो मैं इनको ले जाके दे दूँगी। ये पता नहीं आजकल रामायण की सीरीज़ देखने स्टार्ट किए हैं फ़ोन में, और ये लत ऐसी है कि पूरा, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत टाइम लगा देते हैं और पूरा देखते ही रहते हैं जब तक ये पूरा देख ना लें। इसके बाद यहाँ पे ना जो जैसे दोपहर के बर्तन कुछ हुए, कुछ शाम के नाश्ते के बर्तन हुए, तो वो सारा मैं यहाँ पे वॉश कर लूँगी अच्छे तरीके से। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आजकल बहुत बर्तन जूठे होते हैं, जैसे गिलास तो पूरा दिन ही पानी पीना है पानी पीना है, तो हो ही जाते हैं। अब कितना भी धो, दो तीन बार तो काम तो बढ़ ही जाता है। शाम को मैंने झाड़ू बर्तन, उसके बाद ये वाला जो टाइम होता है, मेरी आँखें लाल हैं उसको इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा परेशान थी तो होता है, ये हो जाता है कभी कभार। रम्या के पापा को चाय, रम्या को दूध, और अपना ये गर्म पानी में थोड़ा सा मैं एप्पल साइडर विनेगर ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम तक शाम को मेरा पेट ऐसे ही खाली रहता है। चाय थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ दिन जी पाऊँ। चाय पीते पीते तो पूरा पता ही है कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। आज मैं और मेरी मशीन वहाँ पे आपको लगी होगी, देखिए मैंने एक ब्लैक कलर की ब्लाउज स्टिच किया है, और उसमें मैंने आधा ही किया, तब तक लाइट चली गई थी। मैं आपको दिखाऊँ कैसी स्थिति कैसी हो रखी है ब्लाउज की, ये देखिए। इसमें एक साइड में कैसे दिखाऊँ, एक साइड में चुन्नटें लग चुकी हैं और एक साइड में पूरा बाकी है। तो इसको मैं करूँगी, तब तक सबसे पहले मैं आलू बिठा दूँगी, आलू और परवल की सब्जी के लिए, आलू को उबलने के लिए बिठाऊँगी, और साथ साथ में मैं यहाँ से बैठ के अपना मशीन भी चला लूँगी। तो यहाँ पे देखिए इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन ये मेरे शाम के टाइम ही मैं अपने ब्लाउज स्टिच करती हूँ। और यहाँ पे मैं कैसे वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँ, मेरे ब्लाउज कलेक्शन की वीडियो ज़रूर आ चुकी है मेरे सेकंड चैनल शांति की लाइफस्टाइल में, लिंक आपको पिन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे ब्लाउज कलेक्शन देखना चाहते हो, उसमें बहुत मैं ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ आप सबके साथ, बहुत यूज़फुल होगी, तो वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं ये ना फ्रिल वाले ब्लाउज बना रही हूँ, तो इसी तरीके से बना के आपको अटैच करनी होती है ब्लाउज के यहाँ। और ये मैंने थोड़ा सा कुछ नया ट्राई किया है, तो वो कलेक्शन में अपने उसी चैनल पे शेयर करूंगी। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है गांव की शांति, और मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी एक ही आईडी है, और यूट्यूब पे मेरे बस दो चैनल हैं, एक ये और एक मेरा शांति की लाइफस्टाइल। तो उस पर मैं तो कम वीडियो डालती हूँ, लेकिन मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से इसको लगा लूँगी। तो सिलाई करते करते फाइनली दोनों के जो फ्रिल है ना वो लग चुके हैं, और अब किस देखिए ना पसीने, इतना गर्मी हो रहा है। इस रूम के लिए मुझे पंखा लेना है, लेकिन क्या क्या लूँ क्या क्या करूँ समझ नहीं आता। तब तक मैं सब्जी छौंक के आटा लगा लेती हूँ, जब सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, ये मंदिर गए हैं तब तक मंदिर से आएंगे, तब तक मैं दो काम करके सब्जी छौंक के और आटा लगा लूँगी, ताकि बस उसकी स्लीव्स लगानी है, और सुबह मैं उठ के सुबह सुबह जल्दी से मैं हुक और तोड़पाई कर दूँगी इसका। और मुझे अगर टाइम मिला तो मुझे एक और ब्लाउज सिलनी है, क्योंकि जो काम मैंने छोड़ रखे हैं, काम ख़त्म तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
यहाँ पे देखिए मैंने आलू को उबाल के अच्छे तरीके से उसको छील के टुकड़ों में काट लिया है। मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया है, हरी मिर्ची, लहसुन, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे काट के रख लिया है और अच्छे से धो के एक थाली में निकाल लिया है। अब मैं बनाऊँगी रसेदार सब्जी। इस तरीके से अगर आप कुकर में सब्जी बनाएंगे ना तो बहुत परवल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और मेरे यहाँ मेरे मतलब सबको ये वाली रसेदार सब्ज़ी पसंद है। वरना अगर मैं परवल की सब्ज़ी ऐसे बिना उबले आलू के बनाती हूँ ना तो फिर मैं वैसे ही बनाती हूँ, सूखी सूखी वाली लंबी लंबी फांके में काट के जो बनाई जाती है उस तरीके वाली मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैं कुकर में मैंने डाल दिया है सबसे पहले सरसों का तेल। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची और जीरा। और ये देखिए हमारा इसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी और साथ साथ में परवल डाल दूंगी। दोनों एक साथ में जो है वो भुन जाएंगे। और इसके बाद ना जब तक वो भुन रहे थे मैंने ना सोचा कि अब तो धागा नहीं मिला मुझे रेड कलर का, तो ये मशीन जो है मैं उठा के रख दूँ। तो ये वाली ब्लाउज जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार इसे प्रेस से इसको दबाना पड़ेगा, ऐसे समझ में आ रहा होगा। ये ना इस तरीके से डिजाइन है, फिर आपको समझ में आएगा जब मैं इसको पहनूंगी तब। और मैं एक लाल कलर का ब्लाउज बनाने वाली थी लेकिन उस कलर का धागा नहीं मिल रहा, धागा नहीं है तो ब्लाउज हमारा बन गया है। और अब मैं अरमा की भी पढ़ाई जैसे हो गई है, उसने लिया है थोड़े टाइम के लिए गैप और मैं चलूँगी थोड़े से गाने बजाऊँगी, गाने बजाऊँगी और तब तक मैं रोटियाँ बना लूँगी। सब्जी में सब्जी जैसे उस साइड में रख दूँगी तब तक होता रहेगा क्योंकि सब्जी बनने में टाइम लगेगा नहीं, कुकर में बन रहा है। तो यही होता है मेरा शाम का रूटीन, थोड़ा बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं कर पाती हूँ। काम क्या लेट ही हो गया करते करते थोड़ा, तो फ़ोन अब जाएगा, YouTube से चलेंगे गाने। मेरी एक अच्छी सी प्लेलिस्ट है, पुराने एकदम पुराने से भी पुराने गानों की प्लेलिस्ट है, वो चलती है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर लूँगी चावल फ्राई। तो सबसे देखिए यहाँ पे ना सब्जी भी हमारी एक साइड में हो रही है, मैं सोचा कि चलो गर्मा गर्म सारी चीज़ें एक ही बार मैं तैयार कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है सरसों का तेल। आप देसी घी में भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है जिसे, लेकिन सरसों का तेल मुझे खाना बनाने में सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। बाकी ऐसे आप ऊपर से यूज़ करो रोटी में चावल में तो वो चीज़ अच्छी लगती है, देसी घी। उसके बाद मैंने जीरा डाला और हरी मिर्ची डाली और मैंने डाले हैं प्याज, और अच्छे तरीके से हम इन सबको भूनेंगे। मतलब ये वाले चावल ऐसे नुकसान हो जाते हैं और आप सबको पता ही है अन्न का अपमान हो नुकसान हो, कभी कभी ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं। और इसलिए अरम्या को भी ये पसंद है, अरम्या के पापा भी अगर लेना चाहें तो उनको भी थोड़ा सा मैं दे दूँगी, पूछ लूँगी उनसे, वरना रोटियाँ तो मैं बना ही रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इन सबको अच्छे से फ्राई करके, और ये देखिए हमारा चावल जो है फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से, कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये रही आलू और परवल की रसेदार सब्जी, कैसी बनी है सब्जी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो है एक मिनट ये बंद कर दूं, बन गया है। और अभी फरमाइश आई है कि बाहर में खाना खाएंगे, तो अभी मैं फेस वॉश करूंगी सबसे पहले अच्छे तरीके से। फिर कहाँ खानवा लेके जाते नहीं, ठीक है तो बाहर खाना खाने जाना है। सबसे पहले मैं अरम्या को खाना दे दूंगी और उसके बाद मैं फेस वॉश करके ही खाना खाऊंगी। ये रही अरु की थाली। अरम्या, लल्ला, छुगी के दिखाती हूँ कहाँ बैठे हैं। खटिया बैठ के मत खाएं, टेबल ले लें जाए ना, खटिया पर ना खल जाला, चेयर ले लो अरम्या, दो पकड़ लूँ मैं,
रुक हमें कुर्सी देता नहीं। कल का ब्लॉग मैंने एंड नहीं किया था रात को, फिर उसके बाद में फेस वॉश करके और अभी भी उसके बाद भी बहुत सारे किचन समेटना, जैसे दही जमानी थी तो जामुन डालना, थोड़े से चने और मूंग मैं रोज़ भिगो देती हूँ, तो ऐसे बहुत सारे काम है जो मैं कर लेती हूँ, वरना जैसे भिगोने वाली चीज़ें मेरे दिमाग से निकल जाती है तो वो मुझे किचन में लिखनी पड़ती है, तो वो मैं लिख देती हूँ तो फिर मैं जाऊँगी लास्ट टाइम में तो फिर मैं देख लेती हूँ कि अच्छा मुझे ये करना है। आज देखिए इन्वर्टर बनने को जाना है, अगर जा पाए तो सही है, ना जा पाए तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो काम मैं खुद नहीं कर सकती हूँ ना वो चीज़ें इतनी झेलाई जाती है, इतनी झेलाई जाती है कि मैं पड़ी है सामने, और उस टूटी हुई खिड़की की वजह से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि दूसरा अगर कोई होता ना तो बहुत क्या बोलूँ, तब आप समझ सकते हैं। ये मेरा ये जो है वो बेड है और यहाँ से वो खिड़की जस्ट सामने टूटी है ना, कपड़े यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सोते भी हैं तो दिमाग में ये रहता है सांप न घुसे, पूरी की पूरी उसका शीशा निकला पड़ा है, तो मैंने इनसे मैंने सोचा एक दो दिन वेट कर लेती हूँ, अगर बनवा दें तो फिर इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सुन ही नहीं रहे, तो मैं सोच रही हूँ कि जो गत्ते होते हैं ना कुछ DIY करके उसको मैं सही करूँगी, तो ये हर एक लोग को झेलना ही पड़ता है लाइफ में, और एक आंधी आई और वो टूट गया है और उसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कत, और खिड़की से डायरेक्ट धूल आ रही है, और यहाँ पे देखिए अभी मैं कपड़े जो सूख चुके थे ना कुछ इसमें से बनारस में गई थी तो कुछ धोने हैं और कुछ सूख गए हैं साफ, तो उसको फोल्ड करके रखने हैं, तो मैं यहाँ पे मैंने बेड पे निकाल के रखा हुआ है। आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।